कितना अच्छा मौसम है ना, प्यारी सी रात, काश हम कहीं बाहर जा पाते। अरे काश अगर तुम अकेली होती ना, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारे साथ किंतु परंतु अगर मगर वाले लोग नहीं होते ना, तो अभी के अभी ले चलते। मैं मजाक सुन रहा और यहाँ मुझे जोरों की भूख लगी है। पता है सुबह से तुमसे जब रोटी हुई थी तब से मैंने कुछ नहीं खाया, और अब ये हाल है कि कुछ भी मिल जाए तो भी चलेगा। मतलब कि तुमने हमारे चक्कर में कुछ नहीं खाया? भैया अब तो हमको ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब तो हमारे स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट भी बंद हो गया होगा, अब तो लग रहा है कि कोई ठेले वाला, चाइनीज ठेले वाला ही मिलेगा। हाँ हाँ चलो ना चाउमीन खाते हैं। नहीं गौरी घर चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। क्या यार भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। घर पर चल के कुछ खा लेना, वैसे भी इतनी रात को इतना बाहर होना इट्स नॉट सेफ। तुम सेफ्टी की बात कर रही हो? अरे अर्जुन भी हमारे साथ है ना। इस शहर में अगर तुम अर्जुन के साथ भी सेफ नहीं हो तो किसी और के साथ भी सेफ फील नहीं करोगे। हमको ही लग रहा है कि क्या नाम है इनका, हाँ पूर्वी जी मान गए हैं कि हम लड़कियों को सेफ छोड़ देते हैं। देखो देखो अर्जुन बाबू की गाड़ी आई है। आ जा तुम्हारा ठेला चुमीन वाला। अरे अर्जुन भैया देखा, ये तो भी सड़क है वरना पूरा शहर जानता है कि अर्जुन का रथ है। एक काम करते हैं, तुम लोग आराम से गाड़ी के अंदर बैठो, हम तुम्हारे लिए चुमीन बनवाते हैं एकदम मस्त मलाईदार। ठीक है स्पाइसी बनवाना। अच्छा तुमका कम स्पाइसी हो, अभी आते हैं। और लालचंद कैसे हो? बस बढ़िया है साहब। हाँ अच्छा हम क्या बोल रहे हैं पूर्वी जी, आप तो खाएंगे नहीं ना? वो कहा कि हम आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप दूसरों को देखने का ज्यादा शौक रखती है ना, इसलिए अब कुछ करने का आनंद आप लेती नहीं है, इसलिए हम दोनों खाएंगे आप देखिएगा। ठीक है अरे ला ला का खिलाओगे? वैसे कुछ भी कहो अर्जुन बाबू, ये लड़की ससुर है बहुत गजब, मजा आएगा। तो उनको अच्छे से खुश कर दिया है ना? अरे बाबूजी ऊपर तक ठास ठास के भर दिए हैं, सब इतना खुश थे कह रहे थे कि ऐसा इंतजाम तो देखे ही नहीं है। तो फिर किस बात की देर है, कल ही उनके यहाँ वो फाइल भिजवा देते हैं मिठाई के डब्बे के साथ। अब वो मैडम बस चुपचाप वो फाइल पे साइन करते, और एक बात तो उका भी हमारी समझनी पड़ेगी, अगर हम उससे अच्छे हो सकते हैं तो उका भी हमारे साथ अच्छा करना होगा, नहीं तो अगर हम बुरा करने पे आ जाएंगे ना तो फिर उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इलेक्शन बीच में आ गया ना, नहीं तो एक औरत की इतनी खातिरदारी करने की क्या जरूरत है, और वो भी वो परकट्टी नीलिमा दयाल जैसी औरत की। माँ हम भी मेला देखने जाएंगे। मेला? अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम 4-5 साल की बच्ची हो। तो आपको ये बड़ी लगती है? मुझे तो अभी भी बच्ची लगती है ये। पापा इतने बड़े तो हम हो ही गए हैं कि हम मेले में जाए और एंजॉय करे जाकर, और वैसे भी यहाँ का कल्चर हम वहीं जाकर समझ पाएंगे। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन हाँ माँ ज्यादा लेट नहीं होंगे, और लक्ष्य भैया हमें 8 बजे पिक करने भी आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखिए कितनी बड़ी हो गई है, और आप कह रहे थे कि अभी भी छोटी सी है। हम उस चीप अर्जुन को बताएंगे कि हम छत वाली बात के बाद भी पूरी तरह नॉर्मल है, वो उस बात के लिए बार बार हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग गौरी।
अब बस भी करो ना। और कितना नाराज रहोगे हमसे? तुम जितनी बुद्धू हो ना उतनी ज्यादा स्वीट भी हो, इसलिए जब तुम हमसे लड़ती हो ना तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, लेकिन यार पता नहीं कल रात बेचारे अर्जुन की क्या हालत हुई होगी, वो घर कैसे पहुंचा होगा, क्योंकि वो अभी तक सो रहा है। सुबह से ना ही एक भी फोन मैसेज कुछ भी नहीं आया। गौरी चिल, आओ ना नाश्ता करो। तो तुम्हें पता था कि तुम हमको तो पा नहीं सकती, इसीलिए हमारी कार ले ली। पता नहीं कि तुम रात को अपने बेड पर सोई हो या हमारी कार की सीट पर। गौरी, अगर तुम हमसे और नहीं लड़ना चाहती तो आज हमारे साथ कॉलेज मत आओ, आधे घंटे बाद ही आना। पूर्वी, तुम क्या करने वाली हो? इस बार सारा काम आपके हिसाब से ही हो रहा है। पिछले साल से ही बहुत बड़ा हंगामा होना चाहिए। सारे कॉलेज के लड़का लड़की को पता होना चाहिए कि पूरा देश तरक्की करे या ना करे, लेकिन अर्जुन बाबू एकदम बिंदास तरक्की कर रहे हैं। मतलब अर्जुन से ज्यादा अर्जुन का रथ पसंद है। वाह, महाभारत के अर्जुन के रथ के जैसे हमारा गाड़ी भी कभी किसी से हारा नहीं है। अब देखो ना, एक रपचिक मस्त ड्राइवर को इतने प्यार से झेल रहे थे। शायद तुम्हें ये पता नहीं है, अर्जुन के रथ को हनुमान जी संभाल रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन सिंह एक अकेला ही है। और अब तुम देखोगे कि हमें तुम्हारी कार कितनी पसंद है। जाओ बचा लो अपने रथ को। और हाँ एक बात और, जितना मजा कल हमें शाम को रेड से ग्रीन होने में आ रहा था और जितना मजा हमें नकली मृगांक से चैटिंग करने में आ रहा था ना, उतना ही मजा तुम्हें अब आ रहा है ना? तो लो, अब लो मजा। ये सर्टिफिकेट भी है और अरे सारे तो क्वालिफिकेशन हैं। अरे और कहाँ चाहिए हमको, ऐसे कैंडिडेट को तो हम कब से ढूंढ रहे थे। बहुत फंटास्टिक डिसीजन लिया है आपने हमारे साथ काम करने का। तो फिर एक बार कल ही साइट पर चलते हैं। हाँ कल से शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट साउंड्स गुड। अरे मृगांक बाबू, कल से काम तो शुरू हो ही जाएगा। पटना घूमे हो? आज शाम का प्रोग्राम कर लेते हैं, क्या कहते हो? कोनो खास प्लान तो नहीं है ना तुहार? कुछ खास नहीं, वैसे पटना पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ किसी कॉलेज में कोई बड़े दिवाली मेले का एडवर्टाइजमेंट देखा था, सोच रहा था वहां हुआ। अरे मृगांक बाबू, ये मेले का झमेला तो हमारे छोटे भाई अर्जुन ने ही फैलाया है, पूरा मेला उसका है क्योंकि पूरा कॉलेज उसका है।
अरे हमारे साथ ही चलिएगा ना, कहाँ अकेले जाएंगे आप? वैसे इधर किसी को जानते हैं क्या पटना में? हाँ, मेरी एक दोस्त है दिल्ली की, कॉलेज की, वो यहाँ पर है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर किसी कॉलेज में पढ़ती है। अरे तो उस कॉलेज में, उस मेले में सारे लड़का लड़की तो आ ही रहे ना, तो हो सकता है उस मेले में ही उसे टच कर दिए आप। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। हेलो भाइयों बहनों, आज के खास मेले का आयोजन करने वाले और स्पॉन्सर करने वाले हमेशा की तरह और कोई नहीं, हमारे अपने भैया और खासों में खास कॉलेज के स्टूडेंट के प्रेसिडेंट अपने अर्जुन भैया है। ये तो वही लड़की है जिसने अर्जुन भैया को निपटा ही दिया था और अर्जुन भैया ने कुछ कहा भी नहीं। अरे दम है यार लड़की में। दम है यार? अरे दम की बात नहीं है, समझ आ गई, वो तो अर्जुन भैया ने उसे छोड़ दिया, नहीं तो। लेकिन ससुरा ये बात हमारी समझ में नहीं आई यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन भैया ने उस लड़के को बिना कुछ बोले जाने कैसे दिया? अर्जुन भैया का ये स्टाइल तो हमने भी कभी नहीं देखा। भैया जी को हो का गया है? सर हमको भी यहाँ एक स्टॉल लगानी है। हाँ ले लीजिए, आप सिक्योरिटी अमाउंट का जो डिपॉजिट है वो जमा कर दीजिए और आपको जो भी स्टॉल पसंद आता है बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। निशा जी, हमको ही लगता है कि आपके स्टॉल का पूरा इंतजाम हो गया है, अगर कोई जरूरत है तो हम हैं। थैंक यू सो मच, पर हमें नहीं लगता कि अब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अरे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आप सिर्फ बोलिए हम कर देंगे। अच्छा ठीक है, हम आपको बताएंगे। हमारी एक बात सुनो और सर पर जोर लगा के समझ भी लो, हमारे खिलाफ अब कुछ और करने की तुम सोचना भी मत। तुम्हारी इन घटिया हरकतों से ना पहले हम डरे हैं और ना अब हम पर कोई असर होगा। हो रहा है असर, हो रहा है। अब देखो ना, तुम्हारे अंदर का खूबी पूरी तरह से निकाल कर बाहर रख दिए, इतना भयंकर गुस्सा दिलवाए हैं तुम्हें, इतना भयंकर गुस्सा कि कहाँ बोलते हो अंग्रेजी में वो जो टेंशन की तरह होता है, हाँ डिप्रेशन, अपना पूरा का पूरा डिप्रेशन भूलकर हमारे सामने खड़ी हो, का मस्त स्टाइल है तुम्हारा, आई लव यू स्टाइल। एक बात हम दोनों के बीच में कमाल की है कि तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती हो। अब देखो ना, उस रात छत पे और तुम ही बात कह रही हो कि तुम्हें वो फीलिंग नहीं, यही तो सबसे बड़ा झूठ बोला तुमने। सच तो यही है कि तुम फीलिंग ले रही थी, ऐसे ही अपने आप को हमारे सामने सरेंडर नहीं कर दिए थे, हमारी बाहों में। असर तो हो रहा है, चलते हैं पूर्वी जी। अरे हमारी सुजाता रानी, मालूम भी आज हम कहाँ जा रहे हैं? अरे आज हम ऊपर कटी नीलिमा जी का ऑफिस में जा रहे हैं, मीटिंग है हमारा। आज हम उन्हें साफ साफ बता ही देंगे कि विभूति कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। छोड़ो फालतू का फुग्गा मत फुलाओ, समझे मालिक है, बीवी का कान में एक तो बढ़िया बाली तो है नहीं, बात कर रहे हैं मालिक का।
हम तो तब मानेंगे जब हमको वो गुलाब के डिजाइन वाला सोने का हेयर पिन ला के दोगे, समझे? हम मालकिन लगेंगे तभी ना तुम्हारा कुछ इज्जत होगा जिंदगी में। अरे हमरी सुजाता रानी, तुम समझ गए नहीं रही हो। एक तो हम पहले ही वो मीटिंग का टेंशन में, और तुम हो कि हाँ हाँ, तो पहले मीटिंग कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। हम कौन सा किराए पे आए हैं जो भाड़ा ज्यादा हो जाएगा? का किराया, का भाड़ा, का नाप सनाप बके जा रही हो। एक तो तुम समझती नहीं हो, एक तो हमने पास वैसे भी वो पैसे नहीं है। हम कभी तुमको मना किए हैं का? नहीं। समझते हैं तुम्हारा परेशानी, लेकिन अब कहते हैं कि इतना लंबा लंबा बाल का फायदा? हेयर पिन तो है नहीं, हम ना नीलिमा जी जैसा बाले कटा लेते हैं, नया फैशन। नहीं 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 नहीं, अरे काहे बाल कटा लेते हैं? बाबूजी कहाँ कहेंगे? बाबूजी काहे कुछ कहेंगे, घूंघट के अंदर कहाँ से ताक लेंगे? हाँ, कोई नहीं ताक रहा, मगर बाल नहीं कटाने हैं, बता रहे हैं हम। तुम्हारा हर बात मानेंगे का? अच्छा सुनो, यहाँ तक कटा ले। अरे कटाने ही नहीं है। अच्छा यहाँ तक चलेगा। हे भगवान, का बबाल है का? ले आएंगे हम, ऊ ले आएंगे, का है ऊ सोने की छाप, ना ना ना, गुलाब की छाप वाला सोने का बालों का पिन ले आएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बाल मत कटाना। अरे वो लीजिएगा ना तो साथ में मैचिंग बाली भी लीजिएगा सोने का, वो कहाँ है ना, घूंघट के अंदर से दिखता नहीं ना, समझे? ले आएंगे, वो भी ले आएंगे, जा रहे हैं अब। अर्जुन, मुझे एक हाथ वाली रिंग चाहिए, दिलाओ ना। छी, इक्का बच्चों जैसी बातें कर रही है गौरी, ये शादी वादी के नाम से हमको बहुत एलर्जी है, बताई देते हैं, हमको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये भैया जी कहाँ है और ये कहाँ स्टॉल लगाया है यार, प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5 में ऐसा होता था। अर्जुन प्लीज उनको रोको ना, पूर्वी को कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कहाँ पूर्वी, अरे हमारा मेला है, हम अपने स्टॉल का क्वालिटी थोड़ी ना गिरने देंगे, क्यों पंगु? भैया ये रिंग्स फेंकने का स्टॉल है, बातें फेंकने का नहीं, जो काम कर नहीं सकते उसके बारे में बोलो भी मत। चैलेंज अब दिखाते हैं कितने हम हैं निशानेबाज। इरहा फस की कुछ नहीं सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की मर्दान की मस्तान की, अब तू भी मान ले नैनो के जाम दे, ओ आजरे 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 आजा हुआ जो। अब बचा एक और वो हम करेंगे चॉकलेट पे। हाँ भैया, गौरी के कहने पर का बोल तो, ये लो आंखें बंद करके डाल देते हैं। अरे आंखें कहाँ हैं? देख के गाड़ी की तरफ, ये लो। वो आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। जो इनाम हमको चाहिए ही नहीं वो हमको मिल रहा है। अरे मैडम आप देख कर रही हैं, पूरा का पूरा गिफ्ट हम जीत लिए हैं, लाइए ना यहाँ सबको देने। ले लो सोनम सिमी रोहन, ले लो सबको दे दो। तुम तो जानती हो मिस पूर्वी दयाल,
जो मौका हमको हमेशा तुम्हारे साथ करने के लिए मिलता है वही तो नहीं हम करते। चलो चलते हैं गौरी, अब चलो आगे मेला घुमाते हैं तुमको। चलो चलो मंगू, मंगू मैम भी चलो। चलो हम भी तुम्हारी हेल्प करा देते हैं और फिर तुम मेला भी घूम लेना। नहीं हाँ, वैसे भी यार रुकने का क्या फायदा, और हमारा बिल्कुल मन भी नहीं। पूर्वी, La la la.